हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन देखिए सीवन मंडी में प्याज का क्या भाव रहा। किसान भाइयों, प्याज की आवक की स्थिति की बात करेंगे। आज हम बोल्ड छर मीडियम हर तरह की क्वालिटी जो सीवन मंडी में आ रही क्या भाव बिक रही है। किसान भाइयों, सीवन मंडी भाव अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसे जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाई, ये लोट आप देख सकते हैं, इसमें इक्का दुक्का आपको बोल्टा नज़र आ जाएगा, बोल्डन साइज नज़र आ जाएगा, मीडियम साइज वाला ये माल है। कलर के मामले में बात करें तो कलर इसका काफ़ी शानदार है। किसान भाइयों, ये जो लोट आज सीहोर मंडी में बिका है 2800 रुपये प्रति कुंटल के भाव से लोट बिका है। तो किसान भाई, प्याज की आवक की स्थिति की बात करेंगे अपन, तो दोनों सेट फुल भरे हुए थे। ऑफिस वाला सेट भी आज फुल भरा हुआ था, आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज जो प्याज में 700 रुपये की नरमी देखी गई है, ये लोट आप देख सकते हैं। इसमें भी इक्का दुक्का आपको बोल्ड नज़र आएगा, मीडियम साइज वाला माल है। इसमें आपको छर मिक्स नज़र आएगी, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, ये लोट आज जो बिका है सीहोर मंडी में 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लोट बिका है, क्योंकि ये मिक्स माल था, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब प्याज है इस वक्त प्याज की आवकी की स्थिति बढ़ने का यही कारण है, क्योंकि दो दिन के अवकाश के बाद मंडी खुली हुई है और प्याज भी इस वक्त ख़राब, यानी प्याज ख़राब हो रहे हैं, तो भी स्थिति भीड़ की स्थिति इस वक्त बन रही है। तो किसान भाई, इस वर्ष प्याज का जो भाव है काफ़ी बढ़ने की संभावना है, उसका यही कारण है। एक तो रकबा कम हुआ है और दूसरा प्याज की ख़राब स्थिति चल रही है, यानी प्याज ख़राब भी बहुत मैक्सिमम हो रहे हैं। तो आपने जो भी स्टॉक रखा है उसको समय समय पर आप चेक करते रहे और वापस रिटर्न डालें, लेकिन समय के अनुसार आप चेक करें। ये लोट आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इसमें आपको मीडियम साइज वाला हमारे कलर के मामले में बात करें तो कलर इसका काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं। बोल्ट साइज वाला है माल है, आप देखिए। ये जो लोट किसान भाइयों बिका है 2610 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से, 80 रुपये बिका है 2610 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। किसान भाई, किसी फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है, तो आप अच्छे से अच्छी वैरायटी लगाएं। वो किसी फसल का उत्पादन उसकी खाद स्प्रे की सही मात्रा और डोज के ऊपर निर्भर करता है। किसान भाई, ये जो लोट आज सीहोर मंडी में बिका है, आप देख सकते हैं 2709 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लोट बिका है। काफ़ी शानदार क्वालिटी का माल है, आप देख सकते हैं। कलर के मामले में बात करें तो कलर इसका काफ़ी शानदार है। इक्का दुक्का इसमें आपको मीडियम साइज वाला माल मिलेगा, ये तो बोल्ड साइज वाला माल है। 2709 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से 80 रुपये मंडी में लोट बिका है। किसान भाइयों, चर्री की मार्केट की बात करें, सीहोर मंडी का आज चर्री का जो मार्केट है किसान भाइयों, 1100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से 1900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव तक आज चर्री का मार्केट रहा है। चर्री का मार्केट भी डाउन हुआ है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं। ये जो लोट बिका है किसान भाइयों, 2509 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लोट बिका है, 2509 रुपये, आप देख सकते हैं। ओपन साइज वाला माल है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का माल रहेगा, लेकिन 2509 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। इसमें वही थी प्रॉब्लम है किसान भाइयों, छरी क्वालिटी इसमें मिक्स मिली है। वो किसान भाई, आज जो सीहोर मंडी में एक समस्या देखने को मिली है, एक जो लोट लिल्लाम हुआ था, लिल्लामी जिसकी बोली लगी थी किसान भाइयों 2600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से, लेकिन बाद में चेक करने पता चला कि उसमें खराब माल काफ़ी निकला है, तो मात्र किसान भाइयों 1700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से व्यापारी ने खरीदा है बाद में। तो आप ध्यान रहे कि जब भी प्याज या किसी फसल को भी लेगा तो उसकी छटाई करके जरूर लेगा या साफ सुथरा बना के लाए, तो आपको बेनिफिट मिले और काफ़ी अच्छा भाव मिले। किसान भाइयों, ये लोट आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको
इक्का दुक्का बोल्डा नज़र आ जाएगा। बोल्ड मीडियम साइज वाला माल ये आप देख सकते हैं। ये जो लोट किसान भैया आज बिका है 2607 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ये लोट बिका है। किसान भाई इस वीडियो को दूसरे किसान भाई के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि समय रहते किसानों को जानकारी मिल सके और बेनिफिट मिले। इस प्रकार की खेती बाड़ी और नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।